इनका सोशल मीडिया के जरिया है, इनके पास टाटा पावर के 3000 शेयर हैं 240 रुपए के भाव के आसपास। सब इस पर भी हम आशीष जी आपसे ही राय चाहेंगे। एक और पावर स्टॉक, और हमने सिमिलर पैटर्न देखा है, जिस तरह साडानी पावर ऊपर से कनेक्शन आया उसी तरह से हमने देखा था कि टाटा पावर भी 300 रुपए के स्तरों के आसपास से फिसला, 200 के नीचे गया और उसके बाद एक रेंज में ही ट्रेड हुआ है, साइडवेज रहा है। इसके लिए आप क्या फ्रेश ट्रिगर देख रहे हैं और इसमें अब बड़ी तेजी कब आएगी? पंकज को भी ये शेयर होल्ड करने चाहिए या यहाँ से कहीं और बेहतर विकल्प सुझाएंगे आप? इनफैक्ट मुझे नहीं लगता पावर स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, क्योंकि सबसे पहले जो उनके रॉ मटेरियल के पर्टिकुलर कोल के प्राइजेस थे उसमें जो इजाफा हुआ है तो काफी पास ऑन करने में दिक्कतें आई हैं। तो ऐसा लगता रहा हमें कि बहुत हाई रेट मिले हैं समर में, ऑपरेशनल कॉस्ट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण से नॉमिनली प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ये एक रीजन यही है। और टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत रिटेल निवेशक ट्रैप हो गए हैं ऊपर के लेवल पर, तो मैं तो इनफैक्ट काफी समय से स्टॉक में से एग्जिट की एडवाइस ही दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी पावर प्रोजेक्ट है उसमें उससे रेवेन्यू जनरेट करने में अभी काफी समय लगने वाला है, तो कोई इमीडिएट ट्रिगर टाटा पावर जैसे स्टॉक में मुझे नजर नहीं आते। तो मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक से निकल जाए। मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ उसकी जगह, इसकी बजाय आप शालीमार पेंट का स्टॉक लीजिए जो 170-172 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो रीजन ये है कि क्रूड में जो एक गिरावट देखने को मिली है उसका बहुत बेनिफिट पेंट कंपनीज को होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे रियल एस्टेट में बूम आ रहा है पेंट कंपनीज का डिमांड ऑफटेक भी काफी बढ़ रहा है, और शालीमार पेंट सिर्फ 1200 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी अवेलेबल है। जरूर लॉस मेकिंग है बट मुझे लगता है कि आगे कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी यहाँ पे आप देखने को मिल सकते हैं, तो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव नजर आता है। तो टाटा पावर का एटलीस्ट आपका लॉस यहाँ से अगले 6 महीने में शालीमार पेट के थ्रू रिकवर कर ली। पावर में आने वाले समय में ट्रिगर्स कम लग रहे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सपोर्टिव नहीं है, बट इसके अलावा कुछ पेंट स्टॉक्स आशीष जी के रडार पे हैं और आपके लिए सलाह है कि शालीमार पेंट्स में स्विच करिए, काफ़ी पिटाई हो चुकी है पेंट काउंटर्स की और यहाँ से अब अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। चलिए अब आगे हमारे अगले कॉलर पार्थ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार पार्थ जी, बताइए किस स्टॉक पर आपको राय जाननी है? गुड मॉर्निंग जी, मेरा यह सवाल है कि मैंने सन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैंने 7900 के पैसे मैंने 10 शेयर परचेस करे थे, तो वो मुझे बैंक पर सब कब मिल सकती? मुझे आपके पास 10 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं की प्राइस पे? ओके, चलिए हम इस पे राय लेते हैं। एमएनसी फार्मा कंपनी है ये, आशीष आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि इतना एक्टिव काउंटर नहीं है ये, बट आप कैसे देख रहे हैं फार्मा पैक? इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है शायद इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हाल फिलहाल जो फार्मा स्टॉक्स है वो भी सुस्त हैं, बट जो एमएनसी कंपनीज हैं इंडिया में वो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम होल्ड करती हैं नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनीज से। सनोफी इंडिया आने वाले समय में क्या 8,000 के ऊपर आपको जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आता कि 8,000 के ऊपर ये जा पाएगा, क्योंकि दो तीन प्रॉब्लम है यहाँ फार्मा कंपनीज पे जो इनके वैल्यूएशन को लो रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो रीज़न ये कि डिमांड जो डोमेस्टिक मार्केट में है उसमें काफ़ी स्लो डाउन है, क्योंकि कोविड के बाद से जो मल्टीपल डिजीज जो थी उसकी रिकरेंस में काफ़ी कमी आई, जो लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो जो नॉर्मल ड्रग्स हैं उसकी सेल में या स्पेशलिटी ड्रग्स की सेल में इश्यूज है। दूसरी बात ये जेनरिक का जो ड्रग्स हैं उसका मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो जिसके कारण से जो सनोफी जैसी कंपनी जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाती है उनको काफ़ी टफ कंपटीशन मिल रहा है। और तीसरा बात ये कि जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस में एक काफ़ी हार्डनिंग हुई थी पिछले कुछ समय में, उसके कारण से भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटीज हैं वो इतना अच्छा नहीं आने वाला है। तो मेरा सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में से आप निकल जाए, और मैं इस बजाय आपको सजेस्ट करूंगा टाटा एलेक्सी के स्टॉक में आप निवेश करें। ये 8,000 रुपये के लेवल पे निवेश करेंगे तो मेरा मानना है अगले 6 महीने में स्टॉक में कम से कम 10,000 रुपये का प्राइस टारगेट में देख रहा हूँ, क्योंकि जो उनकी अल्टीमेटली एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और हमने देखा भी ये स्टॉक दूसरे IT कंपनीज के स्टॉक में काफ़ी स्टेबल रहा है। अपने पीक से 9400 के पीक से सिर्फ 1200-1300 रुपये ही नीचे है, तो बहुत सही समय है टाटा एलेक्सी को एक्युमुलेट करने का, और सनोफी बेच के आप बिल्कुल टाटा एलेक्सी में निवेश करें।
ठीक है, सनोफी सेल टाटा लेक्सी बाय, ये स्ट्रेटजी आशीष जी की तरफ से। अगले दर्शक